नमस्कार, तीसरी जंग के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, कांग्रेस महानगर कमेटी में हैं आप सर। जी सर, महासचिव हैं आप और नगर निगम में आप प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी हैं। आज जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, दर्शकों को पता है और आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में यात्रा की है, तमाम कांग्रेस कमेटी के जब पदाधिकारियों से हम बात करते हैं, तमाम सवाल उठते हैं लोगों के, राजनीतिक सवाल भी उठते हैं और आम जनता के भी सवाल हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा अलीगढ़ की सीटों पर? देखिए, अलीगढ़ ही नहीं पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जी, और आगे भी पड़ेगा। और अभी आपने देखिए यात्रा का प्रभाव देखा होगा कि हिमाचल में हम लोग जीते हैं जी, और दिल्ली में भी हमारी भी जो नगर निगम MCD में चुनाव हुए थे अच्छे वोट हमें मिले। जीत तो नहीं हुई सर, आम आदमी पार्टी जीती, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत अच्छे वोट मिला है। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं जी, तो उसमें हम देखिए बहुत अच्छा हम लोग जीतने वाले हैं। और मैं अपने छोटे में तो अलीगढ़ का हूँ, अलीगढ़ की बात करूँ, बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जो पहले था उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। और काफी लोग हमारे मतलब अभी हमारे पास आवेदन आ चुके हैं चुनाव के लिए, मेयर के लिए बहुत आवेदन आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। आप बीच में जा रहे होंगे, जनता के बीच में जाने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे भी शाम में तकरीबन रोजाना कहीं ना कहीं मीटिंग रहती है जी, और छोटी छोटी क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव है तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी हम लोग करते हैं जी, लोग बुलाते हैं जी, तो बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का। लोग असल में जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है, देखिए आप उस चीज़ को पत्रकार लोग नहीं पूछते हैं जी, तो जो यात्रा जो निकाली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जी। एक यात्रा गांधी जी ने निकाली थी करीब 1300 किलोमीटर की जी, और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा है जी, तो इससे लोगों पे बड़ा असर पड़ा, लोगों को बड़ी उम्मीदें हो गई इसका कि कुछ नया होने वाला है जी। तो लोग जो लोगों के अंदर डर था भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा की 2014 के बाद जो सरकार आई, खौफ का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है कि आदमी कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, अब अपने घरों में बैठे रहो, डरे हुए घर के अंदर बैठे रहो, कुछ मत बोलो। तो उस चीज़ से लोग निकल रहे हैं और लोग बड़ी उम्मीद की निगाह से राहुल गांधी को देख रहे हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है, आप महानगर में आप राजनीति करते हैं, नेता हैं, आपको नहीं लगता कि आप बोल रहे हैं, जनता भी बोल रही होगी, समझती है जनता, क्या जनता सब समझती है, जानती है जी, तो आप स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल आज़ादी के साथ बोल रहा हूँ, और मैं देखिए जहाँ भी जाता हूँ जी, क्योंकि गांधी जी ने भी जब यात्रा की, और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे जी, तो यहाँ से वो बिहार की किसी जगह पर गए, मुझे नाम याद नहीं है, तब उन्होंने कहा था उस वक्त कि डरो मत, और आज राहुल गांधी भी कहते हैं कि डरो मत। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अभी एक कोविड का दौर आया था, आपने देखा था पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लगा, कोविड का दौर आया था, तो पहले में उतनी लोगों को हानि नहीं हुई, लेकिन दूसरे में काफ़ी लोग की डेथ हुई और बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। तो अब बहुत से लोग कोरोना से डर के घर के अंदर बैठ गए, हम क्योंकि सामाजिक लोग हैं, सोशल हैं, और देखिए जो सोशल होता है वो किसी मजहब के उसमें बंदिशों में नहीं बना होता, हम अपने मजहब ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, नमाज रोजा करूँ, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो फिर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूँ। हमने बहुत मदद की, खूब जाते थे बाहर निकल के लोगों की, हर तरीके से मदद करते थे, तो अल्लाह का शुक्र मुझे तो कोई कोरोना वगैरह नहीं हुआ, मास्क लगाता था, हाथ भी धोता था, लेकिन तो क्या आपको लग रहा है अलीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से खौफ है, आपको ऐसा लगता है? हमें खौफ नहीं है जी, पूरे देश के अंदर खौफ का माहौल है, पूरे देश में जी। आप जरा कोई कुछ बोल के तो देखें जी, आप बता दीजिए उसका घर डाल दिया जाता है, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी के साथ कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो हमें तो उस खौफ के माहौल को खत्म करना है जी। और राहुल जी भी कहते हैं डरो मत, देखिए जब मरना तो है, ऊपर वाले ने कहा है, ईश्वर ने, अल्लाह ने कहा है कि जब आप दुनिया में आए हैं तो आपको मरना है जी, ठीक है, तो जब हमें मरना 100% है तो डर के क्यों मरे? क्या लग रहा है सर, निकाय चुनाव नज़दीक है, नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, आप बतौर प्रभारी आप कार्यभार देखेंगे चुनाव प्रभारी के तौर पर, किस तरीके से वोट सीटें बांटी जा रही हैं इस बार? आपने मुस्लिमों का जिक्र किया कि दिल्ली में मुसलमान जहां वोटर हैं उनकी संख्या अधिक रही, वोट मिला, तो क्या नहीं सीट आप जीते, ये भी एक सवाल उठता है ना, क्या आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप यहां जिले स्तर पर बैठ करके कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि निष्पक्षता होनी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, कांग्रेस तो सभी धर्मों की पार्टी है सर जी, देखिए मनमोहन सिंह सर उन्होंने क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाया जी,
अब्दुल रहमान अंतोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे जी। और आपके गुलाम नबी आजाद जो हमारे साथ नहीं है वो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, ऐसी बात नहीं है। तो सभी धर्मों की पार्टी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। ये तो देखिए जो जिस तरह आबादी का अनुपात ही लोगों को उसमें टिकट वगैरह दिया था, इसको आरक्षण हो गया कि कैसे हो गया, तो टिकट तो देखिए ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो पार्टी के सबसे पहले जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने परेशानी में पार्टी का झंडा पकड़ा है तो उसको सम्मान मिलेगा टिकट है। अगर वो टिकट का दावेदार है उसको टिकट मिलेगा। उसके साथ में ये नहीं हुआ था, अगर पार्टी का झंडा पकड़ लिया फिर हमने देखा कोई अच्छा भारी भरकम आदमी होता हम उसको टिकट पकड़ा देना नहीं। तो कई अब मैं सवाल ले लेता हूँ दर्शकों के, और मुझे लगता है कि जब ये कॉमन सी बात हो गई है जिसका पलड़ा भारी भारी होता है लोग वहाँ चले जाते हैं, क्या कांग्रेस से लोगों ने दल नहीं बदला? सिंधिया साहब को आप देख लीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हम अगर देश की राजनीति पर बात करें तो ऐसे नेता हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारे नेता हैं जी। देखिए आप सिंधिया जी को आप जानते हैं, पूरा देश जानता है जी। उनके फादर मादर सिंधिया थे, राजघराने के लोग जी। और मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा महल किसी का होगा हिंदुस्तान में जी जी। तो वो पैसे के लिए तो नहीं गए, पैसे की वजह से नहीं गए। 25 साल की उम्र में सांसद बन गए जी। कांग्रेस ने लगातार 10 साल तक उनको मंत्री बना के रखा है जी। है ना, उनको पूरा सम्मान दिया और वो छोड़कर चले गए, तो वो कुछ और वजहें लगती है सर। मैं यहाँ इस आपके चैनल पर डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे नहीं। क्या आम कार्यकर्ताओं में बात होती है दर्शकों को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या आम जो लोग वोटर हैं? मुझे लगता है उनके बीच में चर्चा जरूर होती होगी, लगता है क्यों गए या किस वजह से गए, अलीगढ़ स्तर पर होती है? बिल्कुल होती है जी। क्या कुछ बताएंगे दर्शकों? मैं आप देखिए उनका अपना निजी मामला है, वो क्यों चले गए जबकि उनका पूरा सम्मान मिला हुआ था। एक राज्यसभा के लिए तो वो जाएंगे जी, वो उनका आपस का कुछ होगा मतलब वहाँ का, हम ऐसे कैसे बता। अलीगढ़ में अब नगर निगम चुनाव आने वाला है सर जी, जी, जी। कैसे देख रहे हैं नगर निगम चुनाव को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप नगर निगम चुनाव में नहीं है ना, तो क्या लगता है इस बार जी? हमारे अभी 3 पार्षद हैं यहाँ पर जी, इस वक्त 3 तो आप ऐसे करें जैसे कि देखिए हमारी उपस्थिति है जी, उपस्थिति है आप बिल्कुल है जी, बात नहीं है जी। तो ऐसा बेहतर नहीं कि बिल्कुल ही हम वहाँ से गायब हैं, और अभी इंशाल्लाह हमारे बहुत जीतने वाले हैं जी, बहुत दमदारी के साथ, क्योंकि लगातार 2-3 साल से हम लोग सड़कों पर हैं। विवेक बंसल जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर हैं, और अभी हमारे देखिए अलीगढ़ के ही प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए योगेश दीक्षित जी, जी, जी। युवा हैं। अभी हम लोगों ने देखिए 19 तारीख में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, यहाँ कठपुतली पे घंटाघर पार्क है जी। उसके अंबेडकर पार्क है, वहाँ से हमने निकाली थी और शास्त्री गेट तक हम लोग गए, तो बड़ा लोगों का हमें समर्थन मिला, बहुत जगह स्वागत हुआ। तो अभी हमारे देखिए बड़े ऊर्जावान हमारे योगेश दीक्षित जी आ गए हैं, विवेक बंसल जी हमारे इतने सीनियर नेता हैं, इन दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस देखिए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और नगर निगम चुनाव हम जीतेंगे, जीतेंगे दमदारी के साथ जीतेंगे जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव को, इसको टाइम को बहुत आगे ले जाना चाहती है। नहीं, टाइम तो वो कई कारण है, अलीगढ़ में नॉइस का भी एक मसला रहता है नहीं, नहीं। और तो मौसम को लेकर के भी बताया जा रहा है, अलीगढ़ में लगेगी पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं जी जी। तो उन्होंने देखिए बहाने से उसको रोका हुआ है कोर्ट का जी जी जी, कोर्ट का जो आदेश होगा वो माना जाएगा। उन्होंने देखिए रेड डायर करा दी अपने किसी आदमी से, उसके बाद ऊपर से ये आरक्षण ऐसा हुआ था वैसा हुआ था जी, जबकि क्योंकि ये MCD हार गए, अभी ये हिमाचल हार गए जी, अब इन्होंने GST के छापे पड़वा दिए जी। चुनाव शहरी है जी, शहर के लोगों की दुकानों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, उनके कारखानों पर छापे पड़े हैं जी, तो पब्लिक जनता नाराज है, उन्हें मालूम ही हार गए। स्वच्छता की बात होती है, जब भी हम अलीगढ़ शहर की बात करते हैं तो स्वच्छता बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है सर। जहाँ भी आप जाइए आपको गंदगी के ढेर दिखाई देंगे, नालियाँ आपको खुली हुई मिलेंगी, पानी रिस रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे अगर आप नगर निगम चुनाव जीतते हैं, बतौर एक महानगर का दायित्व है आपके पास, जिम्मेदारी है, चुनाव का भी दायित्व है आपके पास, तो अंदर खाने की खबर भी रखते होंगे, तो क्या चल रहा है? अगर चुनाव जीतते हैं तो कुछ सुधार होगा या स्थिति यूं की त्यों रहेगी? बिल्कुल सुधार होगा। देखिए अभी हम तो देखिए उसके बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं सफाई सुथराई के लिए, हम लोग जाकर के बोलते रहते हैं नगर निगम में, MLA साहब के पास, मेयर के पास हम लोग जाकर धरने प्रदर्शन करते हैं, और हमारी पार्टी के और भी कार्यकर्ता हम लोग लगे रहते थे। तो देखिए शहर में अलग ही माहौल होगा, ज़रा चुनाव आ जाने दीजिए, जीतने दीजिए, नई कांग्रेस है, बेहतरीन कांग्रेस है, राहुल जी की उसमें आगे बढ़ रही है, आप देखिएगा बिल्कुल शहर की सूरत बदल रही है जी। आपको नहीं लगता कि स्वच्छता अभियान भी चल रहा है इस देश में? तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े नेता आपको झाड़ू लगाते हुए मिलते थे कुछ समय पहले, अब वो सब बैकफुट से तो गायब है, फ्रंट पे तो कोई दिखाई नहीं देता। सर ये तो देखिए ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड प्रोग्राम लगते हैं मुझे, इनके साथ कैमरे लगा दिए, ये लगा दिए, उसके बाद छप गए अखबारों में, उसके बाद गायब हो गए सर।
हम तो सर जमीन पर काम करने वाले लोग हैं सर। देश की 137 साल पुरानी पार्टी है जी, जिसने देश को आजाद कराया जी। तो हम तो उस पार्टी से आते हैं सर, तूफान से लाए कश्ती निकाल के, हम लोग तूफान से कश्ती निकाल कर लाए थे। और अभी भी फिर हम लोग, मुझे तो देखिए, मैं हम लोग कई बार धरने प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियां हम लोग देते हैं, तो मुझे यकीन मानिएगा ऐसी फीलिंग आती है शायद हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं शायद। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप आज़ाद देश में बैठे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान है। नहीं वो तो है जी, ये आज़ाद है, फोन पे पर आज़ाद है, सब कुछ है, लेकिन वो मुझे फील आता है कि शायद हम लोग कहीं गुलाम से हो गए, सत्ता में नहीं है। सत्ता एक अलग चीज़ होती है एक तरह से। देखिए हुकूमतें बहुत आई, अटल बिहारी वाजपेयी की भी हुकूमत थी, वीपी सिंह की भी हुकूमत। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको बड़ा प्यार है, मैं देखता हूँ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नाम लेते हुए नहीं चूकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब क्या रिश्ता रहता है आपका? ठीक है, वो बहुत विचारों से सहमत है। हाँ नहीं, अच्छे इंसान थे, हम किसी को बुरा, मैंने तो मोदी जी को भी बुरा नहीं कहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अटल जी की सरकार थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, देवगौड़ा बने, चंद्रशेखर बने, आईके गुजरात बने, बहुत लोग प्रधानमंत्री बने जी। हमें कोई उनसे शिकायत थोड़ी, सरकारें आती जाती रहती हैं जी, लेकिन पब्लिक के मुंह से किसी ने निवाला छीनने का काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों टाइम खाना खा रहे होंगे या दो टाइम भी खाना खा रहे होंगे? कितना बुरा हाल है बेरोजगारी का आपको मालूम है? नौजवान नस्ल हमारी कहाँ चली गई? शिक्षा के देख लीजिए कितना बुरा हाल है, जो शिक्षित युवा हैं वो चाय बना रहे हैं जी, बहुत बुरा हाल है भाई। आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो बहुत बुरा। आप तो जाते हैं पब्लिक में, पब्लिक में जाने के बाद युवाओं का क्या ओपिनियन आपने अब तक देखा है? जैसा आपने नौकरियों की बात की, और ये मसला बहुत गंभीर है, देश के कई राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा होती है, सामाजिक स्तर पर भी चर्चा होती है, समाधान कोई निकलता हुआ नजर नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए युवा बहुत मायूस है जी, बहुत मायूस है, उन्हें बड़ी आशाएं थी। अब देखिए योगी जी दोबारा आ गए जी, प्रधानमंत्री भी दोबारा आ गए, लेकिन काम कहीं हो नहीं रहा जी, केवल तीन चार लोगों को ही पैसा दिया जा रहा है जी, या कुछ नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है जी, तो परेशान है, क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं बहुत से लोग बेचारे, क्या करें बताया। आपको लगता है अलीगढ़ महापौर के लिए कौन आपकी जिम्मेदारी लेगा? आपको लगता है कोई चेहरा है आपके पास? चेहरे की भी बड़ी बात हुई है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के आज महापौर तक के चेहरे को देखा जाता है कि अलीगढ़ में भी आपका चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक से एक धुरंधर है। देखिए बीजेपी के पास चेहरे होंगे जी, हमारे पास भी बहुत चेहरे हैं जी, और ये चेहरों का चुनाव नहीं है जी, ये काम का चुनाव है। और पिछले महापौर ने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दबाव में रहकर उन्होंने काम किया था। तो खुद बहुजन समाज पार्टी से आते हैं? बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, लेकिन जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम जनता के हो जाते हैं जी, स्वतंत्र अलग चीज जी जी, लेकिन हम जब महापौर बन गए कुछ भी होगा तो हम जनता के हो गए ना। उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, हमेशा दबाव में रहे। और भारतीय जनता पार्टी की जब चेहरे की आप बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात में जीत गए जी, तो मोदी जी हैं, हिमाचल में हार गए तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं देवगौड़ा साहब, तो उनको लगा दिया जाएगी। हार भी तो तुम्हारी है जब जीत तुम लोगों से, तो चेहरा तो कांग्रेस में सर हो गई होगा, जो भी अभी तो देखिए आवेदन आए हुए हैं। देखिए सर कौन आता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रश्न रहता है कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी ने जब से यात्रा शुरू की है तो एक अलग बदलाव तो दिख रहा है, ऐसा लगता है सर आपको बदलाव दिख रहा है युवाओं में? काफी संख्या में युवा जुट रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा आपको लगता है? इंशाल्लाह होगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि रिया से पहले भी बॉलीवुड के कई सेलेब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। पूजा इस यात्रा में हैदराबाद से शामिल हुई थी। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपनी फोटो और वीडियो भी शेयर की। उनके अलावा 10 नवंबर को एक्ट्रेस सुशांत सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अपना नाम नहीं करना है, लेकिन वो चाहते हैं कि शायद हमने भी कोई योगदान दिया, उनको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और हमने भी योगदान दिया, इसलिए वो लोग आते हैं। तो बदलाव तो होने वाला है, थोड़ा इंतजार करें। अभी ये सेमीफाइनल है सर महापौर वाला जी। फाइनल हम आपको 2024 में दिखाएंगे जी। और बिल्कुल बदलाव होगा और पूरा देश देखेगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, कांग्रेस महानगर कमेटी के ये सदस्य थे और कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज के लिए काम करते हैं। हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।